वेलकम टू द बिग डैडी शेफ, दिस इज शेफ अजय चोपड़ा। हमारे देश में खाना और पीना एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर है, पर ऐसे कुछ प्रांत हैं जहां पर खाना ही एंटरटेनमेंट है। ऐसा एक प्रांत है गुजरात। गुजराती भाई क्या करते हैं, हर चीज में थोड़ा अपना फ्लेवर डालते। ऐसा ही एक तवा पिज्जा जो अहमदाबाद में बहुत फेमस है, जस्सूबेन पिज्जा। चलो ना, जस्सूबेन पिज्जा इधर बनाते ना। जस्सूबेन पिज्जा बनाने के लिए आपको चाहिए गर्म पानी, हम डालेंगे थोड़ा सा ईस्ट। अब डो बनाने के लिए मैदा, मैदे में थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। हम एक्चुअली ईस्ट में भी मिला सकते ताकि ईस्ट का जो फंक्शन है वो जल्दी जल्दी होने लग जाए। वी जस्ट गिव इट अ नाइस स्टर। ओके, अब ये ईस्ट का जो पानी है इसको हम डालेंगे यहाँ पे बीच में। ईस्ट के बाद ये थोड़ा सा पानी। अच्छा, इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है। नमक हम डालेंगे जब थोड़ा सा ये डो बन जाएगा। चलिए जी, ये डो जो है तैयार हो गया है। अब इस डो की होगी मालिश। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल ऑयल चलेगा। जब हम कोई भी ईस्ट वाला डो बनाते हैं उसे इस तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है, उसका जो टॉप लेयर है उस पर क्रस्ट ना आए, इसलिए हल्का सा ऑयल लगा दें। एंड दिस नीड्स टू रेस्ट फॉर अ गुड हाफ एन आवर। तवा पिज्ज़ा बनने के लिए पहले टॉपिंग तैयार करनी पड़ेगी। लिटिल बिट ऑफ ऑयल। मेरे पास सब्जियां हैं, मशरूम, पेपर्स, अनियन, ऑलिव, थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक भी डाल सकते। हो जा गरम जल्दी से। आवाज आई, चलो भैया सब लोग चलो अंदर। ऑलिव छोड़ के सब अंदर। थोड़ा नमक, तो पेपर ऐसे डाल देते। थोड़ा ओरिगेनो डालें, ओरिगेनो मिलता है ना आपके बाजार में, बेसिल, तुलसी, कुछ भी ले वो डाल दो। चिली फ्लेक हल्का सा सॉटे हो गया है। अब हम बनाएंगे पिज्जा। अभी थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा गोला जो कि एकदम सॉफ्ट हो चुका है। दिस डो इज अमेजिंग। हम पकाएंगे पैन पे, यानी कि तवे पे। इसको हम पहले हाफ डन करेंगे, फोक से ऐसे छेद छेद बना देंगे ताकि ये फुलके की तरह फूले नहीं बल्कि फ्लैट रहे। दोनों साइड से हल्का सा, कलर नहीं आना चाहिए बट हल्का सा पक जाएगा। ये बेस हाफ डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पिज्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़। अभी ये पिज्ज़ा जाएगा वापस से ऊपर, एक बढ़िया सा कलरफुल जस्सूबेन पिज्जा। थोड़े से ऑलिव्स को ऐसे ही बस तोड़ के यहाँ डाल दिया, चिली फ्लेक्स और थोड़ा ऑरिगेनो और हल्का सा ना ऑलिव ऑयल, साइड्स पे भी जाना चाहिए। एंड नाउ सिंपल, नीचे पकेगा आराम से, ऊपर पकेगा स्टीम से, हल्की आंच पर आराम से। ये तवा पिज्जा लुक्स अमेजिंग। वेल, पिज्जा इज रेडी। चॉपिंग बोर्ड से सीधा तवा पिज्जा बाय नन अदर देन द बिग डैडी शेफ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तवा पिज्जा इज गोना बिकम अ सुपर हिट।